84 के दंगे कोई भी सभ्य व्यक्ति भूल नहीं सकता। ऐसी नुसंस हत्याएं राजनीतिक इशारे के साथ की गई और जब तक 2014 में सरकार नहीं बनी एक भी व्यक्ति को एक भी दिन की जेल भी नहीं हुई थी, कोई अरेस्ट भी नहीं हुई थी। जांच आयोग पर जांच, आयोग जांच पर जांच, परिणाम नहीं मिलता था। मोदी जी ने एसआईटी बनाई, 300 मामलों को दोबारा खोला और जो दोषी थे उनको जेल के अंदर भेजने की शुरुआत हुई है। मैं शुरुआत शब्द इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी मामले चल रहे हैं और आगे जो बचे खुचे हैं उनको भी आगे उनके साथ न्याय करने का काम भी हम जरूर करेंगे। इतने सालों बाद पहली बार 3328 पीड़ितों को, हर परिवार को 5 लाख रुपया देने का काम किया। जलियांवाला बाग स्मारक को फिर से गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और सीएए के तहत चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो सिख भाई धार्मिक प्रताड़ना से यहां आना चाहते हैं वो सभी को नागरिकता देने के रास्ते भी नरेंद्र मोदी जी ने